काले कौवा का का फूसे की रोटी मांगे खा टुकड़े कर। आप कौवे से काम लग रहे हो आज। खा लो। सबसे पहले हमने कौवे के लिए दो घुटते रख दिए। पापा मेरे लाए दो के दो। तुम्हारे घर का भी है? मेरे घर शादी दो। रोज चाह मैं तेरे दो ब्लॉग चाहे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद यार। नाम रॉ से पड़ा इसका। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह, स्वस्थ और मस्त होगा। फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग किस रात हो रही है? सुबह के 8 बजे से, और बढ़िया सी धूप यहाँ पे आ चुकी है। बढ़िया तो क्या आई है, मतलब हल्की हल्की आई है, ठंडा हो ही रहा है। और आज ना मौसम बादल भी लगे हैं और कोहरा भी लगा हुआ है यहाँ आज, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति भुगत्या की ढेर सारी बधाई है मेरी तरफ से। साल भर का त्यौहार है, खूब अच्छे से मनाओ। आज हम मेरे मायके साइड तो एक ही दिन मनाते हैं त्यौहार, घुटते भी एक दिन मनाते हैं और रोटी भी एक दिन मनाते हैं, त्यौहार एक ही दिन होता है। लेकिन मेरे ससुराल साइड को 2 दिन मनाते हैं। तो कल हमने रोटी बनाई थी कौवे के लिए, आज हम कौवे के लिए घुटते बनाएंगे। जो कल रोटी बनाई थी वो आज सुबह दे दी है, जो आज घुटते बनाएंगे वो कल मॉर्निंग में देंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, बचपन भी कितना अच्छा होता है ना। हम तीनों भाई बहन साथ में होते थे, अब तो हम तीनों साथ में हैं भी नहीं। एक खटीमा में है, एक उधर मेरे मायके में है और मैं यहाँ डीडी आर्ट में हूँ। तो काफ़ी याद आ रही है आज उनकी। तो आज पूरा बचपन मुझे याद आ रहा है, हम तीनों लोग घुटते की माला के लिए कितना लड़ते कितना झगड़ते थे। जिसके उसमें ज़्यादा जाते थे उससे लड़ते थे कि तेरे माला में ज़्यादा चले गए हैं। 3-4 दिन पहले से धागे ढूंढना शुरू कर देते थे, सबसे लंबा धागा मेरे पास होता था। और ऐसा भी होता था कि तीनों में से जिसकी सबसे पहले हम छोटे भाई बहनों की माला खाते थे, फिर हमारी वाली जो बच जाती थी फिर दिखाते थे लास्ट में कि अब भी हमारी माला बची है। स्कूल खुलने तक के लिए हम घुटते बचाते थे, फिर ख़त्म कर देते थे। तो यार वो बचपन दोबारा वापस नहीं आ सकता है, तो खूब इंजॉय करो और खूब मजे करो, बचपन को खूब अच्छे से जियो। अब हम तो बहुत दूर दूर हो चुके हैं, एक साथ है भी नहीं। तो आज रोटी बनाइए तो हम बोलेंगे काले कौवा काले पूसे की रोटी मांगे खा ले, और कल को घुटते बनाएंगे तो कहेंगे काले कौवा काले घुटते की माला खा ले। हाँ, 2 दिन बनाते तो 2 दिन अलग अलग होना चाहिए ना। सबसे पहले हम ही उठे हैं ना पप्पा। जोर से बोलना फिर काले कौवा आएगा तो फिर पहले तो बोला तभी तो आएगा। आज तो कौवे दिखते पहले काले कौवा बोलो। काले कौवे पता नहीं कालू से परेशान हो गए। नहीं बाप बोलो ना काले कौवा। देखो यार तो शर्मा रहे हैं काले कौवा बोलने में। तो कौवे के लिए यहाँ पे रोटी रख दी है, मैं तो नहाया नहीं है, पापा ने नहा दिया। सुबह का नज़ारा देखिए आप, ये उस साइड को तो आज कोहरा भी लगा। तो शिका हिटन से बोलन जी ये कहाँ तीन दिन कैमरा लगा देती हूँ को की गुंज को। बस तो कौवा हमारी एक रोटी ले गया है, एक रोटी में छेद करके गया है। अब पता नहीं इस रोटी का क्या होगा। नहीं खाया तो है यार, इसमें छेद भी देखो ना, ये गजब छेद करके गया है। बढ़िया वाली चावल की रोटी खाने के लिए आया था और गेहूं की रोटी नहीं खा रहा। देखो कौवा भी इतना नखरीला है हमारा। और एक काले कौवा ये बन के बैठे हैं इधर सुबह से, आज पूरे काले काले कपड़ों में। तो आज नहा लिया आपने? कैसे आया ये सुबह सर शुभ दिन आज आपके नहाने के लिए? दिन नहाई जालो हमें विश्वत की भी हो 13 अप्रैल को। तब तक मतलब तसर उनसे मतलब वो खाल छीट के दिन का और ना लिया तो फिर रोटी भी खा लो। कौवे कौवे ने आपके लिए बचाई है ना, ना रख दे उल्ला को तो खाल, कोई और चिड़िया खा लेगी टुकड़े कर। आप कौवे से काम लग रहे हो आज। कौवा खा लिया हैं, कौवा खा लिया काले कौवा का फूसे की रोटी मांगे खा। दादा कालीन नाश्ता आज कलियो बनन मरी फेले वाली रोटी बना रही फेले वाली। ए नादनी नादनी दे दियो की करू तेरी दादा बुढ़ी नाना काले कबा कुना। मैं तो यहाँ तुम छो तुम छो कुए काले कबा कुना मेरे फुड़नु का काले ये कोयला काले कबा आज जा ठारो छो या कले छो या खटन पेड़ है रा इधर पछिल नाम सा कदा लात मर पाऊ बाब वो बुबल दे आ नाथने बुबल दे आज जब नवाना भात खायो ना अल्लाह खायो नवाना भात छगी जा लिरो जट्टे जनो। अरे आय यो कबाड़ खगालो ज यार मैं जा रे ओ तो कदा नि हेनु आज उम्र ज मोड़ पूज रहे भात जी तुम्हार आप भात क्यों करूं थोड़ी यो खुटवा छो छो आज भात तो रोज के ने मुकु ना वही खला इडो आई जो नाती मैगी पकुम चल मैगी वही खले हलवा बन रहा उधर चल चलने लगता है चल यार यहाँ क्या करेगा मैगी खाऊंगा न्याम न्याम हेलो
कहाँ जा रहा है तू आज? समझ में नहीं आ रहा, जोर से बोलो। आठ में? बाप रे, कहाँ सीखा था मुंह बजाना है? ये कौन है साथ में? बाप जी खेलने मरती हूँ। तो आज आपको पहली बार हम लकड़ी का रॉड दिखाते हैं। देखो, ये कोई रॉड नहीं है, बस लकड़ी में रॉड फिट कर रखा है। ऐसी कलाकारी कहाँ से लेके आते हैं आप? यार ये चावना इनर कलाकारी हो, लकड़ी में रॉड फिट कर रहा है। हाँ जल्दी मैं कौन सुन जाए। तो खीरा देख, मैं तो एल पूछू, मैं यहाँ पे बना रहे हैं ताऊ जी खीर। किसकी बना रहे हो? साबुदाने की। साबुदाने की बनाओ, फिर ड्राई फ्रूट भी डालना ज्यादा ज्यादा। मिले सुरकू में है 100 बोलते हैं इसको, 100 रुपए बोलते हैं इसको। तो मेरे को दे यार, मैं दुकान में जाके कुछ खा के आऊंगी। ले जाऊं? ले जाऊं? नहीं ले नहीं, तो ना के आना। ले इस पैसे को पकड़ना, फिर दुकान जाना, फिर ना के आना। तो अंदर नामकरण होने के बाद बाहर पे भी नामकरण होगा। तो भाभी यहाँ पे लिपाई पुताई कर रही है, कलाकारी है ये भी। हमें एक घंटे में तो हाथ ले बड़ो है, पेंसिल मिटोल फिर लेनी हो, एक बार बना दी मैंने चाहने डिजाइन। अब तो आई सीखन से मैल देखो ना, मैं पेंसिल मिटो ना 10 बार फिर आज सही उमची ना उमरे। ये भी कलाकारी है, इन तो आदत है, कदू साल बड़े बनून मिले नहीं, कदू नवान करे ना, कदू बरियात करे नाल। हंसरा भी है और समझ नहीं आ रहा उसको कहाँ देखूं। बल टून मगी नाम रो से पड़ा इसका, क्या रखोगे नाम? रज्जू। तो यहाँ पे खाना भी बन गया है, इसमें छोले जैसे दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक कुकर में पता नहीं क्या है, वहाँ पे भात दाल और यहाँ पे सलाद। अगर मैं बड़े झड़ो ना ठीक भजल में ही झड़ो ली लाई। इसमें किसकी दाल बन रही है? और भात का ढक्कन लगा दो, चावल जैसे दिख रहे हैं मुझे तो, पक्षी ना पाई। ढक्कन लगा दो, खास खाया उन पे घर है, चल उनको बांध नहीं गुंजो है, खान पे बजा रहे चाल। एक घर का वाला और टेस्टी होता अगर ये बनता दो। तो मिस्टेक हो गई इसमें, तो पनीर निकला। बच्चे का नाम क्या पड़ा? राहुल। रोसे? रोसे। अच्छा तो भाई घासा व्यवस्था ले, मैं तो बड़े कर ला रही। तो फाइनली बच्चे के नाना नानी आ गए हैं। इतना लेट आ रहे हो, भात खत्म हो गया। खाली पड़ावल चटने बस रही है, आप डेग चटना रह रहे बस। बदल में खिलाती हूँ। तो नामकरण हो गया है दोस्तों, और अभी मैं आमा के लिए खाना पहुँचाने आ गई हूँ घर। आमा को खाना देके फिर मैं जाऊँगी खाने के लिए। अभी तक हम रोटियां बना रहे थे। मैं यहाँ की छू आमा, खत्म हो लो बताया। हाँ क्या चाहिए लो? मेर मैं तनार छ, और मेरे बुबू नातिन भाई, मेरे तेरा माँ नाम महादेव छ ना? महादेव भी मेरा नाम।
तुम्हारे मैट भी भनाड ओए भनाड भाई तुम्हारे बहन भाई अच्छा भाई बहन तेरी मैं दीदी भाई हूं अच्छा दीदी भी है चलो दीदी तेरे पापा चाचा भी है तुम्हारे घर का भी है मेरे घर शादी हो रोज चाह मैं तेरे ब्लॉग चाहे बहुत बढ़िया धन्यवाद यार चाचा की बात बहुत बढ़िया बैठो बाबा तुम्हारे सेवा के आमा दे याद कर ना दे बूबू दे कहो ताई क्या कह रहे थे आप तीन कह रहे थे हमारी अच्छी फोटो निकाले फोटो अच्छी निकाल रहे हो दीदी को गप मार रही निकाल खड़ा मुई मुंह चला रहे हो भाग नहीं चला रहे हो अरे भाभी बोल यार भाभी ए भाभी तो दोस्तों खाना पीना खा के अब जा रहे हैं घर की ओर नवा नवा भात लिखा है तो अब हमने बनाने हैं गुप्ते बाकी सब लोग तो गुप्ते बना के आ रखे हैं बैठे हैं आराम से लेकिन हमने घर जाके गुप्ते बनाने हैं तो थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो काफी अच्छा रहा आज का दिन भी मौसम भी खराब हो रहा है बादल लग गए हैं तो अब करते हैं गुप्ते बनाने की तैयारी इसमें मैंने सौंफ डाल दिया है थोड़ा सूजी थोड़ा गेहूं का मोटा आटा इसमें घी और इसमें गुड़ पानी कलाकार गीतू देवी गुप्ते बनाने की तैयारी स्पेशलिस्ट से बोल रहे हैं नई प्रकार बनूंगा तो इसमें घी डाल दिया है घी से ना खसखस होते हैं और टेस्टी होते हैं प्योर घी डाला है गाय का पहले ये एक लक्षण लागू पहली सब मोटा मोटा आटा हो रहा है ये थोड़ा सूजी भी डाल दिया और ऊपर से मैंने पानी बाकी के जो गुप्ते हैं वो सिंपल तरीके से बनेंगे और देखो मेरे गुप्ते फट नहीं रहे दो बड़ बनाना पड़ रहा है यार ला शाजुआ जी देखते हैं किसके गुप्ते अच्छे बनते हैं कौन अच्छे बनाता है निद्री से धोले ना होंगे झलकी रन्या लापी मारा हे यो संसार को रीतला गाइज घुगुत बना भी रहेगा धो आप बनो भले खजूर रोटी तो देखो हजूर बनाल खजूर आहा रोटी तो देखो बिल्कुल आटा इतना गंदा हो गया ना यार सूजी ज्यादा मिल गई या मोटा आटा ज्यादा हो गया पता नहीं अब ऐसा रोटी बन गया मेरा ये बिल्कुल काजू कतली वाली स्टाइल में बनते हुए खजूरे जरूरी है गाइज जरूरी है अब नंदिन भी आने को घर क्या पर बोलो ना गुगुद तो यहाँ ली ये गुगुदा माल नन्ना नुना तो लड़न मरो ना ऐसा कुछ कदू झगड़ो पे जानी गुगुद में आ रही गुगुद प्यार इधुक म्यार ब्याह इधुक त्यार ब्याह इधुक मैं बनूं इधुक तू बना ले अब तो नहीं आयो आप इतना मोटा घुगता किसने देखा जिंदगी में आज तक आज देख लो गाइज देख लो आज पागलो नहीं पाक पत्ते और ये मेरा डमरू है और ये मेरी जलेबी है और वो भी बनाया था मैंने मिश्री कहाँ गया वो मिश्री चादीगढ़ खाया लोल ये देखो बिल्कुल काजू कतली वाली स्टाइल में काट रही हूँ मैं तो तैयार हो चुके हैं हमारे गुप्ते 15-20 हमने गुप्ते बनाए हैं ज़्यादा नहीं बनाए थोड़े बनाए और एक यहाँ पे बैट बॉल बना रखा है ये बैट है ये बॉल है ये है हमारा जलेबी ये है डमरू और बाकी सारे खजूरे बनाए हैं तो दोस्तों अभी तक 19,000 के गुप्ते रखे थे हमने अब देखो हमारे गुप्ते ये अब यार छत पे भी ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं वरना चिड़ियाँ खा लेंगी तो इनको एक बैठा के पराद में रख के नीचे ले जाते हैं अब शाम को पकाएंगे अभी टाइम भी नहीं है मम्मी बाजार चली गई वरना हो जाता
ये देखिए दोस्तों, एक पर आज घुगुत बना लेने सप्पा आओ घुगुत खाने ऊपर ब्याल खाया है ने ब्याल का पकौड़ी। तो दोस्तों बढ़िया आग जली है और कढ़ाई पे हमने रख दिया है तेल। अब इसमें बनेंगे बढ़िया घुगते। आज हमने दो दो जगह आग जलाई है क्योंकि एक चूल्हे से नहीं होगा। इस वाले चूल्हे में बन रही है सब्जी राई की और इस चूल्हे में घुगते बनेंगे, फिर यहीं पे खीर भी बनाएंगे। ये मेरे घुगते उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, अब सब उड़ चुके हैं तो एक ही परात में हो रखे हैं। बहुत है हम लोगों के लिए, घुगते कम ही बना रखे हैं, खजूर ज़्यादा बनाए हैं। तो सबसे पहले हमने कौवे के लिए दो घुगते रख दिए और फिर हम रखेंगे देवी देवताओं के लिए इस कटोरी में और फिर हम लोगों के खाने के लिए इस परात में। ये देवी देवताओं के लिए है, ये कौवों के लिए, और अभी तो बनने बाकी हैं, इतने सारे बनाने हैं। ये इस पर खजूर बनाए हमने, घुगते हमारे इतने ही हैं दोस्तों जितने आपको दिख रहे हैं, ये इतने ही बनाए क्योंकि आटा नहीं बन रहा था अच्छे से तो टूट जा रहे थे। अब खजूर खाएंगे हम, पता नहीं मीठा हो रहा है नहीं हो रहा, चख लो एक बार। साग बड़ी ही है। तो दोस्तों कौवे के लिए एक पूरी बना दी है, कल उसने रोटी खाई आज पूरी खाएगा। लाओ उसका कटोरा दे दो। घुगते टेस्ट करो पप्पा कैसे हो रहे हैं, बढ़िया हैं। दो चार और खाओ कल आपका व्रत है। इसमें इतना घी पड़ा है, टेस्ट तो करके बताओ कैसे बनाए हैं। एक और खाओ फिर मेरे लिए, एक और पकड़ो मेरी तरफ से। अब बताओ कैसा हो रहा है। अब नहीं मिलेंगे फिर हाँ। बस यहाँ पे मम्मी जी बर्तन धो रही हैं और एक दो तीन की तीन कढ़ाई में इन्होंने खाया आज, इन्होंने चाटा है। अपने बर्तन खुद धोती हूँ बोल तो खुद ही धो रही है आज। देखो कल इनका व्रत है और आज देखो इसमें खीर बनी थी, इसमें पूरी और घुगते बने थे, उसमें सब्जी बनी थी। दोस्तों मैंने पापा से एक मटर परी मंगाई थी। कौन सी परी पापा? ये पापा की परी मैजिक परी, और पापा ने मेरे लिए दो थैले पहुंचाए हैं। ये क्या ऐसे पापा मिलेंगे किसी को? मम्मी को तो नहीं मिलेंगे इसमें से। पापा मेरे लिए लाए दो के दो, और ये घुगते भी नहीं खाता अमर, तू ही खा बोल। और क्या लाए पप्पा मेरे लिए? बाप रे एक किलो खा लूंगी मैं। इतने क्यों लाए, इतना कष्ट क्यों किया आपने मेरे लिए? एक ही दाने से भर जाता है मेरा पेट तो। अब अपने कमरे में रख दूं। तो दोस्तों खाना पीना खा के मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ, और कल की वीडियो में मैंने बोला था कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं कमेंट जरूर करना। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिला है हल्द्वानी से, हल्द्वानी के लोग मुझे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं मुझे मेरी वीडियोस को देखना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि हल्द्वानी से मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं। बाकी कुछ कमेंट लखनऊ से आए थे और एक दो दिल्ली से भी देख रही थी मैं, और एक बिहार से भी आया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह उठ के कौवे को रोटी भी देनी है। मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और मुझे देखते रहिए ऐसे ही प्यार बनाए। बाय बाय।